आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, रिफंड के अंदर जो अभी अभी लेटेस्ट चेंजेज हुए हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसके लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाया है सीए श्रुति सिंघल जी को, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में एक्सपर्ट है। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे दर्शकों के व्याप पर आप हमें एक क्वेश्चन बताइए कि जीएसटी रिफंड में जो अभी अभी लेटेस्ट चेंजेज आए हैं वो क्या हैं, और उससे रिफंड लेने में हमें क्या दिक्कत आएगी या क्या सहूलियत होगी, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। सबसे पहले तो मैं केजे सर क्लासेस का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर मेरे को इन्वाइट किया और मेरे को अपनी तरीके से एक टॉपिक जो कि रिफंड, जो कि सबके दिलों को छूता है, क्योंकि कहना कि रिफंड सबको चाहिए होता है जीएसटी में, वो एक्सप्लेन करने का एक मौका प्रस्तुत किया, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं रिफंड में क्या चेंजेस आए हैं अभी हाल ही में, जो अक्टूबर एंड और नवंबर में आपके सर्कुलर और नोटिफिकेशन इशू हैं उसमें। सबसे पहले हम रिफंड को अगर मोटा मोटा रिकॉल करें तो रिफंड कैसे मिलता है, एक विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और एक आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है उसमें क्या प्रोसीजर रहता है, उसमें प्रोसीजर ये रहता है कि आप ITC क्लेम कर लेते हो से ₹100 का, और उसके बाद आप फाइल करते हो LUT बॉन्ड। जब आप बॉन्ड फाइल कर लेते हो उसके बाद गवर्नमेंट को आप जब रिटर्न एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं पे करते, ठीक है। से उस सप्लाई पे आपका ₹500 का टैक्स था लेकिन आप वो टैक्स नहीं पे करते, आपने ITC ले रखा है ₹100 का। अब जब आप रिफंड मांगने जाते हो तो आप वो जो ₹100 का ITC है उसको रिफंड में ले लेते हो, तो ₹100 आपका कैश इनफ्लो हो जाता है एक तरीके से। अब हम दूसरी तरफ बात करें एक्सपोर्ट सप्लाईज आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो इसमें क्या होता है, आप ITC क्लेम कर रहे हो ₹100 का, उसके बाद आप पेमेंट करते हो गवर्नमेंट को कितने की, जितना आपका एक्सपोर्ट सप्लाईज के ऊपर GST लगता है उतना, से आपने ₹500 की गवर्नमेंट को पेमेंट करी। लेकिन जब आप पेमेंट करते हो तब आप ₹500 नहीं देते हो गवर्नमेंट को, आप देते हो ₹500 माइनस ₹100 जो आपका ITC होगा, ₹400 आप गवर्नमेंट को पे कर देते हो, ठीक है। अब आप जब रिफंड एप्लीकेशन मांगने जाते हो तो आप मांगते हो ₹500 की, कहने का मतलब है कि आपने ₹400 गवर्नमेंट को दिए, ₹500 गवर्नमेंट से ले लिए, नेट इनफ्लो ₹100। तो दोनों केस में जो है हिसाब बराबर ही बैठता है, लोग एक तरीका यूज़ करें और दूसरा क्यों ना यूज़ करें उसमें कोई डिफरेंस है? द आंसर इज़ येस। क्या डिफरेंस है, अगर आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स मांगते हो तो आपको तीनों चीज़ का क्रेडिट मिल जाता है, इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड। और अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ IGST मांगते हो तो आपको सिर्फ दो चीज़ों का क्रेडिट मिलता है, इनपुट और इनपुट सर्विसेज। तो अगर आपके पास सिंपल सी बात है कौन सा चूज़ करूँ, मतलब कैपिटल गुड्स का क्रेडिट पड़ा हुआ है तो आपको पेमेंट ऑफ टैक्स करना चाहिए, तो ये तो पुरानी बात हो गई। उसके बाद 2021 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने इस पोजीशन को चेंज किया, गवर्नमेंट ने देखा वो पेमेंट ऑफ टैक्स के प्रोसीजर से लोग बहुत ज़्यादा उनको फेक रिफंड ले रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उस प्रोसीजर को, उस मैल प्रैक्टिस को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम सबको क्या है कि एक ही तरीके से देंगे, LUT से देंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं देंगे। पेमेंट ऑफ टैक्स देने के लिए अगर किसी को हम अलाउ करेंगे तो वो हम, उन्होंने अपने पास पावर्स रख ली उसी सेक्शन 16 को ऑल्टर करते हुए कि हम बताएंगे क्या क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसके के ऊपर, क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसके के ऊपर आपको रिफंड मिल जाएगा पेमेंट ऑफ टैक्स में, और दूसरा क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स जिसके के ऊपर तुम्हें रिफंड मिल जाएगा ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 2 साल पहले आया हुआ चेंज अब इम्प्लीमेंट किया 1 अक्टूबर 2023 से, और 1 अक्टूबर 2023 से उन्होंने कहा कि ये जो चेंज है हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हम ये जो चेंज है हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इस चेंज में अब हम साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि हाँ ये डिफ़ॉल्ट रूट ये है
पेमेंट ऑफ टैक्स LUT वाला डिफॉल्ट रूट है और हम ये वाला रूट बंद कर रहे हैं, ये जो पेमेंट ऑफ टैक्स वाला है ये बंद कर रहे हैं, LUT वाले को ही एक्टिव कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दी 1/2023 IT, और उस नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने कहा कि सारे गुड्स पे उन्होंने अपने पास पावर्स रखी थी ना कि हम गुड्स और सर्विसेज बताएंगे जिस पे आप पेमेंट ऑफ टैक्स भी ले सकते हो, तो उन्होंने वो पावर यूज़ करते हुए उन्होंने कहा कि सारे गुड्स और सर्विसेज पे पेमेंट ऑफ टैक्स के थ्रू भी ले सकते हो, लेकिन थोड़े से गुड्स को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। कौन से थे? मेनली जो नशे के गुड्स होते हैं ना, जैसे टोबैको, पान मसाला, गुटखा, इन सब को एक्सक्लूड कर दिया। अब गवर्नमेंट ने विद इफेक्ट फ्रॉम 26/10/2023 उन्होंने फिर चेंज किया। उन्होंने कहा हमने अपने पास पावर्स रखी थी ना क्लास ऑफ टैक्स पेयर बताने की, अब हम टैक्स पेयर की क्लास बता रहे हैं कि अगर तुम सप्लाई करते हो SEZ यूनिट और डेवलपर को, तो उसको भी हम उस क्लास में डाल रहे हैं जिसके पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चेंज है, और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पहले ही नोटिफिकेशन में डालना ही चाहिए था, लेकिन अब डाला, चलो कोई नहीं। साथ ही में अब हम सेकंड चेंज पे आते हैं। तो अगर मैं नटशेल में बात करूं मैडम, तो नटशेल में तो ये चीज़ है कि दो रूट हमारे पास होते थे, और गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई विद पेमेंट ऑफ टैक्स वाला जो रूट्स है इसे थोड़ा सा कम करने के लिए, ठीक है, नोटिफिकेशन निकाली थी, ठीक है। लेकिन ये नोटिफिकेशन सिर्फ अभी कुछ ही लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है ना, ज़्यादा लोगों को ये रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही। SEZ डेवलपर या SEZ यूनिट को ये रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करनी है, उन्हें दोनों में से कोई सा भी रूट वो ले सकते हैं। ये वाला हमारा नटशेल में चेंज है जी। अब आगे, अब हम सेकंड चेंज पे आते हैं। सेकंड चेंज आया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आपको मालूम है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्वालिफाई करने के लिए एक ट्रांजैक्शन को 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। क्या 5 कंडीशन है? सप्लायर बैठा है इंडिया में, रिसिपिएंट बैठा है आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई है आउटसाइड इंडिया, और जो पेमेंट मिल रही है वो उसमें फॉरेन करेंसी में मिल रही है, और जो दोनों सप्लायर और रिसीवर है वो मेरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है एज पर सेक्शन 8 एक्सप्लेनेशन। तो ये 5 कंडीशन दी गई थी। अब गवर्नमेंट ने क्लास एक सर्कुलर निकाला, सर्कुलर नंबर था 202, और सर्कुलर नंबर 202 से गवर्नमेंट ने कहा कि हम वस्त्रो अकाउंट में भी अगर पेमेंट मिलेगी तो उसको भी मान लेंगे कि ये इन INR एज परमिटेड बाय RBI है, और हम इस पेमेंट को भी अगर इस ऐसे भी पेमेंट मिलेगी तो भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का बेनिफिट दे देंगे। अच्छा, ये वस्त्रो अकाउंट क्या होता है? कुछ वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो अकाउंट खुलवा है। अरे नहीं नहीं, ये नहीं होता वस्त्रो अकाउंट। वस्त्रो अकाउंट ये होता है कि जैसे इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा, और आउटसाइड इंडिया सपोज हम रशिया से डील कर रहे हैं, बैंक ऑफ रशिया, ओके, ठीक है। अब बैंक ऑफ इंडिया अगर बैंक ऑफ रशिया में एक अकाउंट खुला लेता है तो उसको कहते हैं वस्त्रो अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, और नोस्त्रो अकाउंट बैंक ऑफ रशिया के लिए। इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर बैंक ऑफ रशिया बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट खुला लेता है तो उसको कहते हैं वस्त्रो अकाउंट रशिया के लिए और नोस्त्रो अकाउंट बीओआई के लिए। कहने का मतलब है इंडिया का कोई पर्सन रशिया में बैंक अकाउंट खुलाए बैठा है, ठीक है, सिंपल भाषा में, तो उसको भी अब अलाउ कर देंगे ITC का चेंज। मतलब कि अब आपको ये जरूरी नहीं है कि मतलब कि एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करने के लिए अब ये जरूरत नहीं कि फॉरेन करेंसी आए। अगर आपके ये वस्त्र अकाउंट में पैसा आ रहा है तो मान लिया जाएगा वो फॉरेन करेंसी में, क्योंकि भाई अकाउंट हमारा वहीं पर ही। हाँ जी 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 जी। फिर अब दो चेंजेस अक्यूमुलेटेड ITC के संपर्क में आए हैं। अक्यूमुलेटेड ITC क्या होता है? अक्यूमुलेटेड ITC होता है कि 54 सबसेक्शन 3 में लिखा है कि अक्यूमुलेटेड ITC का भी क्रेडिट मिलेगा, अक्यूमुलेटेड ITC का रिफंड मिलेगा, और अक्यूमुलेटेड ITC का रिफंड दो केसेस में मिलता है। एक, अगर एक्सपोर्ट किया या SEZ यूनिट और सप्लायर को पेमेंट सप्लाइज करी, और दूसरा इन्वर्टेड रेटेड स्ट्रक्चर।
इन्वर्टेड रेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में फॉल होते हो। इन्वर्टेड रेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर जो आपकी सप्लाईज है उसका रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा है और जो आपकी इन्वर्ट सप्लाईज है उसका रेट ऑफ टैक्स, जो आपकी एक्सपोर्ट सप्लाईज, जो आपकी सप्लाईज है उसका इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है, तो इस करके आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रेट स्ट्रक्चर का आपको रिफंड मिलता है। गवर्नमेंट ने जब ये इन्वर्टेड रेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का कंसेप्ट निकाला तो गवर्नमेंट ने साथ में अपने पास पावर्स रखी कि हम हर गुड पे या हर सर्विसेज पे ये बेनिफिट नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने इस पावर को यूज़ भी किया। गवर्नमेंट ने इस पावर को यूज़ करते हुए नोटिफिकेशंस निकाली और अब तक जो नोटिफिकेशन निकली हैं उसमें गुड्स के केस में रेल लोकोमोटिव, रेलवे, ट्रामवे, इनको ये बेनिफिट नहीं मिलता। अगर गुड्स की बात की जाए तो एडिबल ऑयल लाइक सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, इनको बेनिफिट नहीं मिलता। कोल को बेनिफिट नहीं मिलता। और अभी की अभी हाल ही में इंसर्ट हुई एंट्री इन इमिटेशन जरी थ्रेड और यार्न मेड आउट ऑफ मेटलाइज पॉलिएस्टर फिल्म, इनको ये बेनिफिट नहीं मिलता। साथ में एक सर्विस उन्होंने नोटिफाई करी है और वो है आइटम 5 सब आइटम बी ऑफ शेड्यूल 2। अच्छा, ये पुरानी बात है, इसको कैंसिल कर दो। हाँ, अब इस एंट्री को उन्होंने शब्दों में लिखा। पहले शेड्यूल 2 आइटम 5 सब आइटम बी में क्या लिखा है ये पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि अगर दो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो रही हैं, किसकी, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और सिविल कंस्ट्रक्शन हो रही है और पार्ट देयर ऑफ, जिसका कि इंटेंशन, अगर बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग क्या हुआ, एक सिंगल बिल्डिंग खड़ी हो रही है और कॉम्प्लेक्स क्या है कि उसके इर्द गिर्द का भी एरिया डेवलप हो रहा है, तो बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स अगर डेवलप होकर सेल होने वाला है तो उसको भी इस एंट्री में कवर कर लिया था। और अगर, लेकिन एक एक्सक्लूजन डाली थी कि अगर सारी की सारी एंटायर सेल कंसिडरेशन आफ्टर OC या CC, मतलब शेड्यूल 3 वाली, शेड्यूल 3 वाली आफ्टर OC या CC फर्स्ट ऑक्यूपेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये को बाहर रख दिया था कि अगर इसके बाद कोई एंटायर पेमेंट होती है तो वो शेड्यूल 2 आइटम 5 सब आइटम बी में फॉल नहीं करती। ठीक है जी, अब गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया, अपनी नोटिफिकेशन जो निकाली थी जिससे ये एंट्री उन्होंने डायरेक्टली लिंक कर दी थी उस पैरा नंबर से, उसको चेंज किया। उन्होंने अब शब्दों में लिखा, शब्दों में क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स। उन्होंने स्मार्टली जो सिविल स्ट्रक्चर है, सिविल स्ट्रक्चर क्या होता है, सिविल स्ट्रक्चर होता है जैसे डैम बन गया, जैसे रोड बन गए, ब्रिजेस बन गए, इनको सिविल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उन्होंने अब इसी, आप वो नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो नोटिफिकेशन नंबर है इसका 15/2023। इस नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वही सब लिखा जो शेड्यूल 2 आइटम 5 सब आइटम बी में लिखा है, वही सब लिखा, लेकिन उन्होंने क्लेवरली सिविल स्ट्रक्चर को हटा दिया। तो कहने का मतलब है अब सिविल स्ट्रक्चर के ऊपर इन्वर्टेड रेटेड ड्यूटी का बेनिफिट मिल जाएगा, उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर इन्वर्टेड रेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिल जाएगा और उन लोगों के लिए बहुत भारी एक रकम है और एक बहुत बढ़िया एक रिलीफ है जो गवर्नमेंट ने अब ये मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा बेनिफिट जो कि गवर्नमेंट ने दिया है। इससे ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पर भी आ सकता है, जो हमारा सफारी रिट्रीट वाला केस चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर भी जो इसका कुछ ना कुछ अब ये पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि अब आप ये समझिए पहले इन्होंने बोला था कि भाई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब अगर आप 18% से खरीद रहे हो, 12% से खरीद रहे हो और आपकी आउटवर्ड सप्लाई 5% है तो हम नहीं देंगे तुम्हारे को रिफंड। लेकिन अब इस सिविल स्ट्रक्चर वालों को तो कम से कम बोल ही दिया कि भाई चलो अब आप रिफंड ले लो, देख सकते हो। हाँ, तो उसे अगर हम 17/5 से कहीं ना कहीं लिंक करेंगे तो मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिलैक्स दिया है
तो वहाँ पर भी रिलैक्सेशन के चांस लग रहे। तो मैडम इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस यही है कि ये जो इमिटेशन जरी थ्रेड की जो नोटिफिकेशन है वो 20/2023 है। हाँ, इसमें एक बात और है कि ये जो रिफंड की जो बातें होती हैं कि हाँ रिफंड मिलेगा, हम खुश भी हो जाते हैं कि रिफंड मिलेगा, बट प्रॉब्लम ये आती है जो एक्चुअल काम करने वाला अकाउंटेंट है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको प्रोसेस फाइल कर रहा है, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि वो जो विद इफेक्ट फ्रॉम लिखते हैं, जैसे विद इफेक्ट फ्रॉम 2010/2023 लिखा, तो ये विद इफेक्ट फ्रॉम का क्या मतलब होता है? आपका जो एप्लीकेशन डेट है इसके बाद क्यों होनी चाहिए या आपकी ट्रांजैक्शन इसके बाद क्यों होनी चाहिए? तो ये एक बड़ा अच्छा दिल्ली हाई कोर्ट का मैंने डिसीजन पढ़ा हाल ही में, उस डिसीजन के को मद्देनज़र रखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि इस डिसीजन में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि एक्सपोर्ट की डेट देखनी है, एप्लीकेशन की डेट से कोई परवाह नहीं है। right. तो इस डिसीजन को देख के हम बता सकते हैं कि कब ये जो चेंजेस हैं कौन सी ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल होंगे। अगर ट्रांजैक्शन इस दिन के बाद हुई है सप्लाई की तो इस पे एप्लीकेबल होंगे। आपने फॉर्म कब भरा IRFD 01, उससे कोई परवाह नहीं है। मतलब यहाँ से हमें ये एक कंफ्यूजन जो एप्लीकेशन की बात है वो सामने आती है। इसमें और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। तो ये सारे चेंजेस जो है ना, हमारी जो नवंबर मंथ की मैगजीन है उसने हमने कवर अप कर रखे हैं। अगर आपको वो मैगजीन अभी तक नहीं मिली है तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके अपनी मैगजीन बुक करा ले और उसे पढ़कर सारे चेंजेस को गो थ्रू कर ले। और इसके अलावा मैडम का एक अपना यूट्यूब चैनल है IDT Inside India के नाम से, मैडम उस पर अपनी वीडियोज डालती रहती है और आगे भी डालेंगी। तो हमारे चैनल के साथ साथ आप इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर ले और ऐसा डिटेल डिस्कशन आप चाहते हैं तो इस चैनल को भी फॉलो कर ले। मैडम आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और इतना डिटेल डिस्कशन इसके बारे में करा। होप सो आपको समझ आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।